मैं हूं विवेक कुमार पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं होस्ट प्रोग्राम यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लेफ्ट ज्वाइंट क्या होता है। ज्वाइंट के ऊपर ऑलरेडी दो वीडियो आ चुके हैं जिसमें हम लोगों ने ज्वाइंट का इंट्रोडक्शन देखा है और इनर ज्वाइन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसके पहले वाला वीडियो देखिएगा और तभी ये वीडियो जो है वो आपको समझ में आएगा इसमें हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे कि इनर ज्वाइन हम लोग यूज कर चुके हैं, इनर ज्वाइन को हम लोग नेचुरल ज्वाइन भी बोलते हैं या फिर सिंपल ज्वाइन भी हम लोग उसको बोलते हैं। इनर ज्वाइन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि दो या दो से ज्यादा टेबल को आप वहां पे उसके रिकॉर्ड्स को गेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम तब आता है जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल आपको दिया था कि आपको कस्टमर का एक रिकॉर्ड है और टेबल है और एक आपका ऑर्डर का टेबल है। ठीक है, दोनों टेबल से आपको डेटा को उठाना है। जब कस्टमर और यहाँ पे आपका कस्टमर आईडी होता है कस्टमर टेबल में और ऑर्डर टेबल में आपका कस्टमर आईडी होता है, जिस कस्टमर ने ऑर्डर दिया हुआ है उसका आईडी होता है। जब दोनों इक्वल होता है उसके बाद हम लोग उसको रिकॉर्ड को गेट करते हैं इनर ज्वाइन के थ्रू। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम तब होगा जैसे सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि एक कस्टमर है। ठीक है, जिसमें कि कस्टमर टेबल में सपोज मान लीजिए कि वह उसके अंदर केवल आपका सेवन रिकॉर्ड है। ठीक है, मतलब सेवन कस्टमर है। ठीक है, उस सेवन कस्टमर में से फाइव कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने ऑर्डर प्लेस किया है और दो कस्टमर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो अगर इनर ज्वाइन हम लोग यूज करते हैं तो यहाँ पे केवल फाइव कस्टमर का ही रिकॉर्ड उठाएगा, लेकिन अगर हम लोगों को चाहिए कि पूरे कस्टमर आए और उन कस्टमर के साथ उस ऑर्डर का भी डिटेल्स आए। ठीक है, तो यहाँ पे इनर ज्वाइन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जब कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया होगा और वहाँ पे उसका आईडी होगा तभी उसका रिकॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप लेफ्ट ज्वाइन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या होगा कि कस्टमर का पूरा रिकॉर्ड आएगा, जितने भी कस्टमर हो सारे आएंगे। ठीक है, उसके साथ उन्होंने जो ऑर्डर प्लेस किया है वो आएगा और जिन्होंने प्लेस नहीं किया है ऑर्डर को, मतलब कि उनका आईडी ऑर्डर टेबल में नहीं होगा। जब प्लेस नहीं किया तो ऑर्डर टेबल में उनका आईडी नहीं होगा, जब आईडी नहीं होगा उस केस में वहां पे सिर्फ नल बिठा देगा, मतलब कि इन्होंने अभी तक कोई ऑर्डर प्लेस नहीं किया है, लेकिन सारे कस्टमर का यहाँ पे आपको डिटेल्स मिलेगा। तो इस चीज को एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ हम लोग समझते हैं इस वीडियो में और एक हम लोग एक क्यूरी लिखते हैं कि इस क्यूरी को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट करेंगे अपने पीजी एडमिन में या फिर पीजी एसक्यूएल में। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहां पे इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि आपको लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा कि आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे हैं मेरे डेस्कटॉप पे, यहाँ पे आप देखेंगे कि लेफ्ट ज्वाइन है और राइट टेबल है। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट टेबल है और राइट टेबल है। लेफ्ट टेबल जो कलरफुल है मतलब उसका पूरा रिकॉर्ड आएगा और राइट टेबल में जो मैच हो रहा है लेफ्ट टेबल से उसका रिकॉर्ड यहाँ पे केवल आएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो इमेज है इससे आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं अपने पोस्टग्रेस में और वहां पे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दो टेबल है मेरे पास। ठीक है, एक मैंने बनाया है क्लाइंट का और एक टेबल है ऑर्डर्स का। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट आईडी से हम लोग यहाँ पे रिलेशन बनाएंगे और क्लाइंट का जो नेम है यहाँ पे क्लाइंट का हमने अंदर हमने डाला है क्लाइंट नेम प्रोफेशन क्वालिफिकेशन और सैलरी। अगर यहाँ पे दिखेगा तो ऑर्डर आईडी प्राइस और ऑर्डर डेट, ये हो गया आपका ऑर्डर्स के लिए। अब यहाँ पे हम लोग लेफ्ट ज्वाइन करके देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो जस्ट यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और जाते हैं यहाँ पे क्यूरी टूल में। ओके, और यहाँ पे मैं दोनों टेबल आपको दिखा रहा हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, इसमें मैंने ऑलरेडी डेटा को ऐड कर रखा है, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम क्लाइंट्स, क्लाइंट है एक्चुअली। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लाइंट का रिकॉर्ड। तो क्लाइंट के रिकॉर्ड में आपको सेवन रिकॉर्ड यहाँ पे मिल रहे हैं और जो यहाँ पे उसका प्रोफेशन है क्वालिफिकेशन और क्लाइंट का सैलरी है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब ऑर्डर्स में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपका फाइव रिकॉर्ड है। ठीक है, मतलब कि कोई भी यहाँ पे आप देखिएगा क्लाइंट आईडी रिपीटेड नहीं है, डुप्लीकेट नहीं है, मतलब ये क्लाइंट ने एक ऑर्डर दिया है। ठीक है, और केवल फाइव क्लाइंट से ही रिकॉर्ड को दिया होगा तभी यहाँ पे फाइव है और वहाँ पे सेवन है, जबकि यहाँ पे आपको आईडी जो है क्लाइंट का वो यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं है। तो मतलब कि कोई भी क्लाइंट दोबारा ऑर्डर नहीं दिया, एक ही बार ऑर्डर दिया है। अब यहाँ पे हम लोग ज्वाइन करना है कैसे, अब जिसका रिकॉर्ड आपको पूरा चाहिए उसको सबसे पहले रखेंगे। तो यहाँ पे हमको क्लाइंट का जो रिकॉर्ड है वो सब पूरा चाहिए, हमको पूरे टेबल का रिकॉर्ड चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि क्लाइंट, ठीक है,
और यहां पे हम लोग ज्वाइन करेंगे लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, ओके। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे जो सेकेंड टेबल है उसका नेम हम लोग यहाँ पे देंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे आ गया है ऑर्डर्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऑन, ओके, ऑर्डर्स में जो क्लाइंट आईडी है वो और क्लाइंट्स में जो क्लाइंट आईडी है वो दोनों अगर मैच होता है तो उसको लेके आओ। और ऑलरेडी लेफ्ट ज्वाइन तो हम लोग ने लगा ही दिया है कि क्लाइंट का जो भी रिकॉर्ड है सारे को लेके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अब हम लोग को चाहिए कि क्या क्या रिकॉर्ड हम लोग को एक्चुअली चाहिए यहाँ पे, तो मैं इस फ्रॉम को यहाँ से सिलेक्ट को हटा देता हूँ। और यहाँ पे हमको चाहिए क्या क्या, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ क्लाइंट का नेम, ठीक है, कॉमा क्लाइंट का प्रोफेशन, ठीक है, और यहाँ पे ले लेते हैं क्लाइंट का क्वालिफिकेशन, ओके। इसको मैं नेक्स्ट टाइम में कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कॉमा देकर नीचे आ जाता हूँ। ये हो गया क्लाइंट के लिए। अब यहाँ पे ऑर्डर्स के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर का जो डेट है, ठीक है, उसको मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर्स का डेट हो गया, यहाँ पे ऑर्डर का आईडी ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर का प्राइस ले लेते हैं, ठीक है। और एक्चुअली ऑर्डर का आईडी मैं कर देता हूँ यहाँ पे, और ऑर्डर का यहाँ पे मैं डेट कर दूंगा जिससे कि कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, ओके। अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ और यहाँ पे आप देखिएगा कि 7 के 7 जो रिकॉर्ड है क्लाइंट्स का वो यहाँ पे आ चुका है। तो क्लाइंट टेबल में कुल 7 रिकॉर्ड थे, तो 7 रिकॉर्ड यहाँ पे दिखा दिया है, उसका प्रोफेशन भी दिखा दिया, यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी दिखा दिया। और ऑर्डर में आप देखिएगा तो ऑर्डर में जो 5 रिकॉर्ड है वो सारा आ गया, और जिसके लिए जिस क्लाइंट ने ऑर्डर दिया था उसका यहाँ पे आ गया। एक मैं काम करता हूँ कि यहाँ पे इसका भी मैं दिखा देता हूँ कि जो मैच हो रहा है उसका यहाँ पे आ रहा है। तो मैं यहाँ पे जस्ट क्या करता हूँ, ऑर्डर्स डॉट क्लाइंट आईडी, ठीक है, और मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्लाइंट आईडी है और यहाँ पे जो इसका आईडी है वो है, तो और यहाँ पे क्लाइंट का भी मैं आईडी ले लेता हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा क्लाइंट आईडी, ठीक है, और अब मैं रन करता हूँ, परफेक्ट, ओके। अब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्लाइंट से क्लाइंट का आईडी आ रहा है, यहाँ पे ऑर्डर टेबल से ऑर्डर का आईडी आ रहा है। तो क्लाइंट का आईडी आप देखिएगा कि टोटल का टोटल 7 का 7 रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया है, और ऑर्डर्स में आप देखिएगा तो जो मैच हो रहा है उससे क्या केवल आया, तो क्लाइंट का आईडी 1 है तो उसने ऑर्डर दिया था और उसने प्राइस इतना उसका रखा था, ठीक है। साथ में जितने भी रखे हैं उसमें जिसका मैच हो रहा है उसका ऑर्डर टेबल से आ रहा है और क्लाइंट टेबल से जितने भी रिकॉर्ड है सब आ रहे हैं, और जो मैच नहीं हो रहा है, ठीक है, उसके लिए रिकॉर्ड तो आया है लेकिन वहां पे नल रखा हुआ है। आप यहाँ पे देखिएगा दो रो जो है क्लाइंट आईडी 6 और 7 के लिए कस्टमर क्लाइंट टेबल से, उसके लिए यहाँ पे इसने नल रखा है, मतलब कि इसका वैल्यू तो नहीं है लेकिन चूंकि लेफ्ट ज्वाइन हम लोगों ने यूज किया है इसलिए यहाँ पे इसका डिटेल्स पूरा आ गया है। तो आई होप कि आप लोग इस छोटे से एग्जांपल के साथ समझ गए कि लेफ्ट ज्वाइन हम लोग कैसे यूज करेंगे और किस सिचुएशन में हम लोग इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे आपको इलियास यूज करना है, इलियास यूज कर सकते हैं, या फिर आप अगर आपको वेयर क्लॉज लगाना है तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि वेयर क्लॉज हम लोग कैसे लगाना है, ठीक है। और ऑर्डर्स टेबल में यहाँ पे इलियास करने के लिए आप जस्ट यहाँ पे जो भी टेबल का नेम देना चाहते हैं इलियास में उसको दे सकते हैं, और यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ CLI, ठीक है, क्लाइंट के लिए, और यहाँ पे हो जाएगा क्लाइंट के लिए CLI, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा जस्ट टेबल की जगह पे CLI में यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप देखिएगा तो ये पूरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया है। अब वेयर रिकॉर्ड यहाँ पे चलाना चाहते हैं आप वेयर लगा लीजिए, ऑर्डर बाय लगाना चाहते हैं ऑर्डर बाय लगा लीजिए, जैसे सेम आप ऑलवेज करते आए हैं उसको बताने की जरूरत नहीं है। और उसके एक छोटे से एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो में दे चुके हैं, तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखिए,
और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे हमको कमेंट करके जरूर बताइए। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखते हैं आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।